नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन के साथ आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार स्थानीय वैश्य महाविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की अध्यक्षता में उन्होंने नई शिक्षा नीति को देश के लिए बेहतर बताया। राज्य स्तरीय सम्मेलन में हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में शिक्षा देने, स्किल एजुकेशन पर जोर देने, उच्च शिक्षा में विज्ञान, कला, वाणिज्य संकाय की शिक्षा समानांतर रूप से करवाए जाने संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को समक्ष ज्ञानी, दक्ष व आत्मविश्वासी बनाने में उपयोगी साबित होगी। उन्होंने शिक्षाविदों से चर्चा करते हुए कहा कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन कार्यक्रमों के तहत देश भर में सेमिनार, संगोष्ठियों का आयोजन नई शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार केवल उद्योग व शिक्षा से स्थापित नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए कौशल विकास की तरफ ध्यान देना होगा, जो नई शिक्षा नीति का महत्व पूर्ण बिंदु है। प्राथमिक शिक्षाओं में मातृभाषा के माध्यम से हम बच्चों में शिक्षा के प्रति बेहतर रुचि बना सकते हैं। इस मौके पर शैक्षणिक क्षेत्र से बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। तो इसमें कई संगोष्ठियां हो रही है जिसमें नई शिक्षा नीति को लेकर जो अनेक बातें आ रही है, मातृभाषा में शिक्षण हो, स्किल एजुकेशन हो, इमोशनल पोषण की बात हो, या फिर हायर एजुकेशन में आप ग्रेड सिस्टम से कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं, ऐसे कई बातें हैं, उसकी संगोष्ठी में आज चर्चा हुई। और मैं मानता हूँ कि आने वाले देश को जो शिक्षा आवश्यक है वो शिक्षा देने का काम शिक्षा नीति में होगा और उसकी आज हमारे बीच में चर्चा। मुझे लगता है कि सिर्फ रोजगार इंडस्ट्री से या शिक्षा के द्वारा, स्किल के द्वारा, कौशल के द्वारा रोजगार बढ़ेगा और उस पर इस शिक्षा नीति में जोर है तो युवाओं की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये आज का हमारा विषय था और नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर को नरेंद्र भाई मोदी के सार्वजनिक जीवन के 20 साल पूरे हो रहे हैं। 12 साल 7 महीना वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे और 7 साल 7 महीना वो अब देश के प्रधानमंत्री के नाते काम कर रहे हैं। ऐसा पहला महापुरुष है नरेंद्र भाई मोदी जिसने 20 साल में कोई छुट्टी काम से नहीं ली, कोई पिकनिक मनाने कहीं नहीं गए। मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के पत्रकार और छायाकार मित्र हैं, उनके सामने ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि इतनी भयंकर चुनौतियां उनके नेतृत्व में देश ने, उनके जन्मदिन के ऊपर 2,56,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया, ये दुनिया में एक रिकॉर्ड भारत ने बनाया। और आज नई शिक्षा नीति के ऊपर भिवानी वैश्य कॉलेज में हमारा व्याख्यान था। नई शिक्षा नीति की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये हैं कि एक तो बच्चे को मातृभाषा में, क्योंकि बच्चा माँ के दूध से जो बात सीखता है, जो शब्द सीखता है, उसी में वो पढ़ता है। और अंग्रेजी का एक जो चार्म है, मैंने स्वयं अंग्रेजी में किया, परंतु अंग्रेजी सीखना जरूरी है, परंतु बच्चे का जो मस्तिष्क है वो मातृभाषा में सोचता है, मातृभाषा में लिखना सीखता है। तो इस नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ने लिखने का बड़ा महत्व दिया गया है। शिव शक्ति जनकल्याण ट्रस्ट द्वारा सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में आयोजित किए जा रहे वैक्सीनेशन कैंप के 7वें दिन करीब 300 लोगों को कोरोना की डोज दी गई। वहीं रामनगर स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में सर्वहितकारी अंबेडकर प्रचार सभा द्वारा लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में करीब 400 लोगों को कोरोना की डोज। शिव शक्ति जनकल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा स्थानीय हालवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में 7वें दिन भी वैक्सीनेशन कैंप का शिविर जारी रहा। शिविर के 7वें दिन रविवार को 300 लोगों को कोरोना बचाव की डोज लगाई गई। शिविर में सानिध्य आश्रम के बाबा कैलाशगिरी महाराज का रहा। इस मौके पर आश्रम के बाबा कैलाशगिरी महाराज व डॉक्टर राजकुमार तंवर ने बताया कि वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ लड़ने में एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन लगवाकर ही स्वयं तथा अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है। हमारे सिविल हॉस्पिटल की तरफ से
बाबा सिद्धपीठ जहरगिरी जी के आश्रम में वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। इसमें 300 डोजेज हम लगा चुके हैं और यहाँ के जो बेनिफिशरीज हैं वो बहुत ही अवेयर हैं और मोटिवेटेड हैं, और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उन्होंने काफ़ी माहौल पहले से ही तैयार कर रखा है वैक्सीनेशन के लिए, बहुत मेहनत की हुई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जनता इतनी अवेयर होकर बड़ी खुशी के साथ वैक्सीनेशन करवाने आ रही है। वहीं बीटीएम चौक के निकट रामनगर में स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में सर्वहितकारी अम्बेडकर प्रचार सभा द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुनील कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कैंप में करीब 400 लोगों को कोरोना की डोज दी गई। यहाँ बीटीएम चौक पर दूसरा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया जा रहा है जिसमें अभी तक 354 लोग टीकाकरण करवा चुके हैं। आगे ऐसे चलता रहेगा तो हम फिर आयोजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण करवाएंगे। रविवार को हांसी रोड स्थित महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हमारा परिवार की मातृशक्ति इकाई गठन हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रांत सह प्रमुख डॉक्टर महेंद्र पंवार व भिवानी इकाई प्रमुख डॉक्टर मनोज शर्मा ने मातृशक्ति के साथ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रांत सह प्रमुख सह समन्वयक महेंद्र पंवार, प्रांत जिला भिवानी इकाई के प्रमुख डॉक्टर मनोज कुमार, सह प्रमुख डॉक्टर गौरव पोबली एवं कार्यक्रम के संयोजक सुधीर लांबा द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर श्रीमती सुनीता द्वारा लिखित पुस्तक कुछ गुम हो गए बच्चे पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में करीबन 60 मातृशक्तियों ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारा परिवार भिवानी इकाई की मातृशक्ति इकाई का गठन स्थानीय नीमपाल सिंह महाविद्यालय सभागार में रविवार को किया गया। वहीं इस अवसर पर हमारा परिवार पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के अवसर पर पहुंची मातृशक्ति का आभार व्यक्त किया गया और सभी को साथ भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया गया। सर, ये हमारा परिवार ने एक मातृशक्ति इकाई की स्थापना की है जिसमें सभी मातृशक्तियों को एकत्रित किया गया है और मातृशक्तियों की मदद से हम राष्ट्र में जो हमारे समाज में जो समस्याएं हैं जिस लेवल पर हम उन्हें सुधार सकते हैं तो उनके सहयोग से हम उन पर काम करेंगे। इसका मेन उद्देश्य है अपने राष्ट्र की समाज की जो बुराइयां हैं कुरीतियां हैं उनको ख़त्म करना, स्वदेशी को अपनाना। तो सभी मातृशक्तियां मिलकर अगर हम ये कार्य करेंगे तो किसी लेवल तक, यानी सभी समस्याएं तो हम समाज से दूर नहीं कर सकते लेकिन अपनी अपनी रुचि हम इस परिचय सम्मेलन में बताकर एक कोई भी समस्या हम अडॉप्ट कर लें और उस समस्या पर पूरा संस्था या पूरा जो ग्रुप हमारा मिलकर काम करेगा, पूरी इकाई मिलकर काम करेगी तो कुछ हद तक हम उसमें सुधार कर पाएंगे। सर, हमारे परिवार का जो मोटो है सेवा सुरक्षा सहयोग, हम अपने देश स्वदेशी को हम अपनाएं और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम काम करें और हम ये चाहेंगे कि स्वदेशी चीज़ों को हम प्रयोग करें। जो आज कार्यक्रम किया गया वो मातृशक्ति के परिचय के लिए हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैक्सिमम हमारी माताएं हैं, हमारे प्रोग्राम में आई, वो हमारे मोटो को जाने कि हमारे परिवार का क्या उद्देश्य है। हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारी माताएं आई हैं, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी फ्रेंड को अपने पड़ोसियों को इस प्रोग्राम के साथ जोड़ें और हमारे जो कि हम देशभक्ति से रिलेटेड उनके अंदर बताएं कि हम अपनी स्वदेशी चीज़ों का हम यूज़ करें। रविवार को वार्ड नंबर 26 के नागरिकों ने वार्ड में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर वार्ड वासियों ने नगर परिषद व संबंधित विभाग कर्मचारियों पर शिकायत करने के बावजूद समस्या हल नहीं करने के आरोप लगाए। वार्ड नंबर 26 के नागरिकों ने वार्ड में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर नागरिकों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से ओवरफ्लो के कारण उनके घरों में सीवरेज के गंदे पानी ने बैक मारना शुरू कर दिया है जिसके उनका अपने ही घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि वे अपनी समस्या के बारे में वार्ड पार्षद व संबंधित अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से अपनी समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की। मेरा नाम दिनेश है, मैं हनुमान गेट कुमारा का मोहल्ला से हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो सीवरेज की समस्या। मैं काफी बार मतलब शिकायत भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 15 अगस्त को मैंने DC भिवानी के पास मेल किया था जो कि मेरे पास रिटर्न में प्रूफ भी है। DC भिवानी और नगर परिषद को मैंने मेल किया था और उसके बाद भी ना ही मेरे मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे देखो आप, इतना बुरा हाल हो रखा है। एक तो ऊपर से कोरोना की बीमारी चली हुई और पास में बगल में स्कूल भी है, छोटे बच्चों का आना जाना होता है, मतलब बहुत परेशान हो रखे। बाहर निकलना और बदबू, इतनी गंदगी है, देख सकते हो आप। यह सीवर की परेशानी हो रही है ना, तो पानी निकलता है, मच्छर आड़ हो रहे, स्कूल आड़ बराबर में,
लिखड़ा पड़े कितने लिखड़ा पड़े सीढ़ा हाँ लैटरिन तक बाहर लिखड़ा नागरी से कितनी परेशानी है खाली करवानी चाहिए मारी तू तो शिकायत करे के करी थी कई बार कर ली शिकायत 5-6 बजे आए हम तो कोई शिकायत करा देखा कोई आता नहीं फिर साफ को होना चाहिए हमने तुम्हारी गली खाली होनी चाहिए साफ लाठी मार रहा गली और क्या होगा हम तो लाठी मार कैक बार पा दो कैक बार बता दो ठीक है सब का कितना देख लेता है सबके छेड़ा सा भीतर भी गंदी जागरी और क्या हो सही बात और यहाँ पे इतना बुरा हाल हो रखा है कम से कम 4-5 बार तो एमसी साहब के पास भी जा चुके हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार का कोई भी सिस्टम नहीं है सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रखी है और यहाँ पे बच्चों का निकलना ना तो बच्चे खेल पा रहे हैं ना कहीं जा पा रहे हैं स्कूल भी पास में है सारा बुरा हाल मचा रखा है कोई सुनवाई नहीं हो रही आते हैं देख जाते हैं आते हैं देख जाते हैं कोई भी ये नहीं है कि भाई इसको साफ भी करवाना चाहिए आखिरकार हम भी इंसान हैं इंसान ही रहते हैं यहाँ पे कोई कुत्ते जानवर तो है नहीं जो पानी में से निकलेंगे आएंगे जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भिवानी वासियों के लिए बेहतर शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थान सेठ करवणमल एजुकेशन ट्रस्ट के पदाधिकारी सेठ कालीचरण की रही महत्वपूर्ण भूमिका यह कहना है भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत का। उन्होंने रविवार को स्थानीय केएम शिशु विहार में उनकी मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम के बारे में सेठ करवणमल शिक्षण ट्रस्ट के पदाधिकारी विजय टैनी ने बताया कि रविवार को हांसी चौक पर स्थित केएम शिशु विहार में नन्हे मुन्ने बच्चों के नंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय सेठ कालीचरण की मूर्ति का अनावरण किया गया। उन्होंने बताया कि भिवानी स्थित सेठ करवणमल एजुकेशन ट्रस्ट के अधीन स्थित सभी संस्थाओं के विकास में सेठ कालीचरण ने हमेशा बढ़ चढ़ कर तन मन से कार्य किया है जिसका उदाहरण साक्षात रूप से भिवानी वासियों के समक्ष है। इस अवसर पर नगर के अनेक प्रबुद्ध नागरिकों ने शिरकत की। आज ये केएम शिशु विहार में एक बच्चों का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जिसमें बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियां दी है। केएम शिशु विहार में आके अच्छा लगा और ये बच्चे हैं बड़े टैलेंटेड हैं इनमें काफ़ी प्रतिभा कूट कूट के भरी हैं और केएम शिशु विहार के शिक्षक और इनके अध्यापक सारी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने बच्चों से इतने अच्छे प्रोग्राम करवाए हैं और उनके व्यक्तित्व के विकास के अंदर उन्होंने किसी भी आंदोलन की जब पहले घोषणा की जाती है तो हम उस पर पूरी तरह से नज़र रखते हैं और जैसे जैसे प्रोग्राम आता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उसी तरह हमारी तैयारियाँ भी चेंज होती रहती है। तो जब 27 तारीख है उससे एक दिन पहले तक हमारी तैयारियाँ फाइनल हो जाएंगी और जिस तरह का उनकी घोषणा होगी उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी कर लेंगे। केएम पब्लिक स्कूल में आज सेठ कालीचरण की मूर्ति का अनावरण किया गया और छोटे बच्चों का नंद उत्सव का प्रोग्राम किया गया जिसमें हमारे शहर के MLA और पुलिस अधीक्षक ने हिस्सा लिया। छोटे छोटे 3 साल के बच्चों द्वारा मनमोहक जो प्रोग्राम किया गया उसकी काफ़ी प्रशंसा हुई। आज ये जो छोटे बच्चों का शिशु तक के बच्चों का स्कूल है इसमें करीब 300 बच्चों की गैदरिंग है। छोटे छोटे बच्चे के लिए सब मनमोहक चीज़ आज प्रस्तुत की गई। ठीक है कितनी बात आज नंद उत्सव का प्रोग्राम कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किया गया जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो 3 साल तक के बच्चों ने राधा अष्टमी के जितने भी प्रोग्राम हैं गणेश उत्सव है मतलब राधा कृष्ण पे ऊपर झांकियां हैं राधा कृष्ण का नृत्य है वो सभी आज प्रस्तुति की गई। रविवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने पालुआ चौक का नामकरण एशिया के बड़े व्यापारी रहे लक्खी शाह बंजारा के नाम पर किया। वहीं लक्खी शाह बंजारा की 443वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पालुवास के सरपंच ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और समुदाय के योगदान के बारे में बताया। रविवार को रोहतक रोड पर स्थित पालुवास चौक का नामकरण लक्खा बंजारा चौक के नाम से किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक घनश्याम सर्राफ ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर चौक का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निनान गाँव के सरपंच राम कुमार शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि गाँव निनान में बंजारा समुदाय हजारों की संख्या में आज एकत्रित हुआ है। उन्हीं के पूर्वज वह बहुत बड़े एशिया के व्यापारी लक्खी शाह बंजारा की 443वीं जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बंजारा समुदाय ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया है इसलिए प्रदेश की भाजपा सरकार उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर है। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमने टपरी जाति के सिरकी बंजारा के लोगों बंजारा आज लक्खी शाह बंजारा जो कि हमारे एक बड़े पुरुष हुए हैं इस देश में उनके नाम से इस चौक का हमने उद्घाटन कर दिया है उनके नामांकन हो गया है और जहाँ भी रिकॉर्ड में इस नाम को देना है उसको आगे भी दे देंगे
लेकिन भिवानी नगर परिषद में भी ये नाम पहले से गया हुआ है और हम ये प्रयास करेंगे कि इस समाज के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो बना रहे, क्योंकि सिरकीबंद समाज एक ऐसा समाज है जो गरीब गुरबा है और उसको हम साथ लेकर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हमारा जो देश का इतिहास रहा है वो भी ठीक होगा और उसको ठीक करने के बाद ये काम अति आवश्यक है जिसको वो करना। पूरा बंजारा समाज ने 443वीं श्री बाबा लक्की शाह बंजारा की जयंती मनाई है, उसके उपलक्ष्य में चौक का नाम रखा गया है और समाज को जोड़ने का काम बंजारा समाज ने सदा किया है और सदा ही समाज के हितैषी रहे हैं। ये बंजारा समाज देश हित के लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं। लक्की शाह बंजारा जी एशिया के बहुत ही बड़े व्यापारी और समाज सेवी हैं जिन्होंने नए की एक जाति पूरे देश के लिए ही काम किया है। इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं पूरे बंजारा समाज को, सरकीबंद बंजारा समाज को, ग्राम पंचायत निनाण व देश व प्रदेश व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रविवार को खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना महामारी का कोई भी नया केस नहीं मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 1 बनी हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिले वासियों से शीघ्र कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। इस बारे में अपडेट देते हुए स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने बताया कि भिवानी में इस समय कोरोना महामारी का केवल एक ही एक्टिव केस बचा हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 22,406 संक्रमित मरीजों में से 21,751 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं उन्होंने जिले वासियों को बताया कि देश में करीब 85 करोड़ लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं, अतः हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि शीघ्र अतिशीघ्र हम कोरोना की वैक्सीन लगवाकर अपने आप को सुरक्षित करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।